चलिए प्लेजेंटेशन इन प्लांट्स को देखते हैं प्लेजेंटेशन इन प्लांट्स को समझने से पहले तीन चीज़ों को हमें जानना चाहिए वो तीन चीज़ें क्या हैं जैसे ओविल्स ओवरी एंड प्लेसेंटा तो जो ओविल्स होते हैं वो ओवरी के इनर सरफेस पे मतलब ओवरी के अंदर पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं उस पर पाए जाते हैं प्लूरल फॉर्म इसका प्लेसेंटी होगा ये तो प्लेसेंटा सिंगुलर है इसका प्लूरल क्या होगा प्लेसेंटी तो चलिए डिफिनीशन देखिए अगर हम प्लेसेंटेशन का डिफिनीशन करें तो सिंपल डिफिनीशन क्या है अरेंजमेंट ऑफ ओविल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन ये डिफिनेशन देखेंगे प्लेसेंटेशन का तो ये मिलेगा ले, लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन प्लेसेंटेशन का क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी ऑन द ओवरी लेकिन दोनों डिफिनेशन सही है चलिए टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स को देख लेते हैं तो पहला टाइप क्या होता है मार्जिनल दूसरा क्या होता है एक्साइल तीसरा क्या होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन चौथा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पांचवा प्लेसेंटेशन और छठा सुपर प्लेसेंटेशन। इनके एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए तो फैमिली वाइज कहें तो मार्जिनल किसमें पाया जाता है लेगुमिनोसी में आपने देखा होगा पी मटर उसमें ये पाया जाता है फेबेसी तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन लेगुमिनोसी पी में पाया जाता है देखिए ये मार्जिन में यहाँ पे है और एग्जाइल एक्सिस से आता है तो आप देखिए एक्सिस में है ठीक है एक्सिस में ये प्लेजेंटेशन है यहाँ पे ओवल्स हैं और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है सोलनेसी आप देखेंगे टोमेटो टोमेटो पोटैटो इन सब में ये पाया जाता है सोलनेसी के अलावा मालवेसी लिलियसी ऐसे अदर फैमिलीज हैं उनमें भी एक्जाइल पाया जाता है मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है आप उसको जाके देख लीजिएगा यहाँ एक क्विक क्रिजन है पैराइटल किस में पाया जाता है ये आप देखेंगे कुरसी फेरी ये क्रूसी फेरी में पाया जाता है पेराइटल इसमें फाल्स सेप्टम और रेप्लम पाया जाता है पैराइटल में ये बात याद रखिएगा क्रूसी फेरी के अलावा अदर फैमिली कुकर बिटेसी और पैपावरेसी भी एक एग्जाम्पल है इस पैराइटल प्रजेंटेशन के लिए तो पैराइटल लेसेंटेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें रेपलम फाल्स सेप्टम पाया जाता है देखिए यहाँ पे तो सिप्टम ट्रू सिप्टम है लेकिन इसमें आप देखेंगे कभी आप जैसे अगर आप कभी मस्टर्ड का जो सिलकुआ होता है मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फाल्स सेप्टम होता है वाइट वाइट सा उसको रेपलम बोलते हैं तो ये पैराइटल में होता है वो पॉइंट आप याद रखिएगा और फ्री सेंट्रल किसका एग्जाम्पल है कैरियोफिल्लेसी में फ्री सेंट्रल पाया जाता है और बेसल आपका कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है मीन्स एस्टरेसी में पाया जाता है और साथ ही साथ ग्रेमनी मीन्स पोएसी ग्रास फैमिली में भी पाया जाता है क्या बेसल प्लेसेंटेशन देखिए यहाँ पे एक बेस में प्लेसेंटेशन है और सुपरफिशियल आपका निम्फीएसी मीन्स वाटर लिली में पाया जाता है ढेर देख सारे देखिए ओविल्स हैं निम्फिया से निम्फिय नाम रखा गया है फिमली का तो निम्फिया वाटर लिली उसमें सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन पाया जाता है इन तीनों तो आप समझ जाएंगे डिफरेंस क्या है मार्जिनल मार्जिन पे है बेसल देखिए यहाँ बेस पे है और सुपरफिशियल डिफरेंस टाइप के हैं ये तीनों में कन्फ्यूज़न होता है तो इन तीनों को आप समझिए एक्साइल एक्सिस से है मतलब एक्साइल है ठीक है और ये पैराइटल पेरीफेरी देखिए ओवल्स कहाँ हैं पेरीफेरी पे हैं और इसमें अगर अगर इसमें आपको दिखता है सेप्टम तो फॉल्स होता है जिसको रिप्लम बोलते हैं और ये नाम से ही समझ जाइए कि फ्री सेंट्रल है फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल तो ये फ्री है इसमें कोई सेप्टा या सेप्टम नहीं पाया जाता है